हेलो लर्नर्स, तो हम लोग पहुंच चुके हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 10वें पार्ट के ऊपर। मैं हमेशा कह रहा हूं कि ये वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि हम लोग कंटेंट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते कि हम लोग बच्चों को खुश करने के लिए कोई ऐसा कंटेंट दें जिसमें वो खुश तो हो जाए लेकिन एक्चुअल नॉलेज ना मिले, है ना। जैसे शीशा होता है तो शीशा आपको वही दिखाता है जो एक्चुअली में आप हैं। शीशा कभी आपको ये नहीं दिखाएगा कि आप बहुत स्मार्ट हो चुके हैं। वैसे शीशे भी अब बदल मार्केट में ऐसे ऐसे आ चुके हैं कि आप गाड़ियों में देखते होंगे अपने आप को, तो कभी लगता होगा कि यार इतना तो मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मुझे आज तक तो पता नहीं चला कि मैं इतना स्मार्ट। बहुत सारे, या फिर आप कभी शोरूम में जाते होंगे तो उसमें भी शीशे जब देखते होंगे तो शीशों में भी पता नहीं, मैंने देखा है ऐसा कि आप जब देखेंगे अपने आप को तो थोड़ा सा आप हैंडसम से लगेंगे, पता नहीं क्यों ऐसा है। तो कोई भी कपड़े आप पहनेंगे तो आपको लगेगा बहुत अच्छा दिख रहा हूँ मैं, कभी आप गौर करना। और जब आप घर आओगे ना तो वही शर्ट, वही जैकेट, वही सब चीज़ें जो आपने खरीदी हैं बिल्कुल आपको यूजलेस लगेगी। आपको पछतावा होगा कि यार किस घड़ी में मैंने ये जैकेट ली या किस घड़ी में मैंने ये शर्ट ली। क्यों? क्योंकि वो वैसा नहीं दिख रहा है जैसे आपने वहाँ पर देखा। अच्छा, वहाँ पर लाइटिंग वगैरह भी रहती है इसी तरह का, मैंने सुना है रेस्टोरेंट में भी रहता है। कभी आप दिल्ली अगर रहते हो तो दिल्ली मेट्रो में अगर आप कभी सफ़र कर रहे हो तो बीच में जैसे राजीव चौक या कहीं पर गुड़गांव वगैरह में आपने सीसीडी बीच में देखा होगा, तो सीसीडी देखा होगा, तो जब आप सीसीडी से गुजर रहे होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ पे क्या होता है। वहाँ पे एक ऐसा खुशबू चल रहा होता है, एक ऐसा खुशबू चल रहा था जो आपको ऐसा दिखाता है, आपको फील कराता है कि आपको भूख सी लगी है। और भूख लगेगी तो ऑब्वियसली बात आप जाएंगे, पैसे नहीं होंगे वो अलग बात है, तब तो खैर आप पैसों को मतलब मार करके आप अपनी भूख मार करके कहीं और चले जाएंगे। लेकिन अगर हैं तो आप ज़रूर जाएंगे वहाँ पर और ज़रूर जो है आप उसको खाने का टेस्ट ज़रूर करेंगे। चलिए, खैर तो बातें तो बहुत इसी तरीके से चलती रहेंगी। तो चलिए, हम लोग 10वें पार्ट की तरफ हैं। वैसे सारे इंपॉर्टेंट हम लोगों ने कर लिए हैं लेकिन मैं मेक श्योर कर रहा हूँ, बहुत मैं जांच परख करके देख रहा हूँ कि यार कहीं कोई रूल छूट ना जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि यार बच्चे के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं 10 बार चेक करके देख रहा हूँ कि कोई रूल है जो इंपॉर्टेंट है। और ऐसा रूल नहीं है कि कुछ भी उठा करके मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं बहुत सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ और उसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे ल्यूसेंट की बुक हो, एसपी बख्शी की बुक हो, रेन एंड मार्टिन हो, प्लिंथ टू पैरामाउंट हो, सबके नोट्स और सबके जो है किताबों के मर्ज करके एक रूल का जो है जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर रूल है वो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो कोई स्पेसिफिक बुक नहीं उठाई है मैंने। और दूसरा, आप देखेंगे कि हर एक बुक में अलग अलग तरह के रूल डिस्क्राइब करे गए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कम कंटेंट मिले, बढ़िया कंटेंट मिले और कोई ऐसा कंटेंट ना मिले कि इंपॉर्टेंट हो लेकिन छूट गया हूँ। तो चलिए, लास्ट रूल जो है इस वीडियो में देखते हैं क्या क्या हम लोग कर पाते हैं कवर। एक तो मैं चाहता हूँ ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करना कि द प्लस एडजेक्टिव जब भी आपको दिखे उसका मतलब हो जाता है एडजेक्टिव प्लस पीपल, एडजेक्टिव प्लस पीपल। अच्छा, जैसे एग्जांपल, द रिच, द हैंडसम, द ब्लाइंड, द पेन। अब देखो, द रिच अगर कहीं पे आया ना तो इसका मतलब हो जाएगा रिच पीपल, वो मेंशन नहीं कर रहा है लेकिन हमें ऐसा समझना है। द हैंडसम आ जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा हैंडसम पीपल। द ब्लाइंड का मतलब समझेंगे ब्लाइंड पीपल। द पेन का मतलब पेन पीपल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अभी तक तो हमने ऐसा ही किया, इस पर ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो पेन है ना, ये नाउन है, और अगर ये नाउन है ना तो नाउन के साथ ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। ये कंडीशन कब एप्लीकेबल है? जब हमारे पास द प्लस एडजेक्टिव हो तभी एप्लीकेबल है। एडजेक्टिव क्या क्या होते हैं? एडजेक्टिव ब्लाइंड होता है, एडजेक्टिव ऑनेस्ट होता है, टॉल होता है, अगली होता है ना, पुअर होता है। तो ये सब जो है एडजेक्टिव है और द के साथ जब आएंगे तो ये इस तरह का मीनिंग कन्वे करेंगे एडजेक्टिव प्लस पीपल। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने लिखा आपके सामने, मैंने लिखा द रिच आर गोइंग टू सपोर्ट द पुअर। आप देखना, यहाँ पे द रिच है, ये बात नहीं कही गई है कि रिच लोगों ने, यहाँ पे सिर्फ द रिच है, लेकिन इस रिच को हम लोग क्या मानेंगे? रिच पीपल। ठीक। अच्छा, ऐसी द पुअर को हम लोग क्या मानेंगे? पुअर पीपल। तो द रिच को मानेंगे रिच पीपल, द पुअर को मानेंगे पुअर पीपल। और ये बोलना चाह रहा है कि जितने भी अमीर लोग हैं वो सपोर्ट करने जा रहे हैं सारे गरीब लोगों को, क्योंकि यहाँ पे द के साथ एडजेक्टिव आ गया। और द के साथ अगर एडजेक्टिव आएगा तो वो पूरे के पूरे पीपल की बात करेगा, और अगर प्लूरल पीपल की बात करेगा तो उनके साथ जो वर्ब आएगी वो कैसे आएगी?
प्लूरल वर्ब। एक और रूल हमें देखना है कि द के बाद जब एडजेक्टिव आए, कभी कभी इसके बाद नाउन आ जाता है। कभी कभी अगर नाउन आए तो ये जो वर्ब है ये उस नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने लिखा द ऑनेस्ट मैन वॉज ऑब्लिक वर बी रिवॉर्डेड। मान लीजिए ऐसा है, हमें तो वर्ब देखनी है, तो ये रही हमारे पास वर्ब। अब द के बाद एडजेक्टिव आ गया और इसका मतलब होता है एडजेक्टिव प्लस पीपल, और वर्ब जो आनी थी वो प्लूरल आनी थी, लेकिन इसके बाद आ गया एक नाउन। और अब जो वर्ब है, अब ये जो वर्ब है, ये वर्ब डिपेंड करेगी इस नाउन के हिसाब से, ना कि एडजेक्टिव प्लस पीपल। तो ये मैन सिंगुलर है, इस वजह से यहाँ पे आ जाएगा वॉज। और मैं इसको हटा दूँ अगर, तो ऑनेस्ट वॉज और वर बींग रिवॉर्डेड, तब हम लोग कर देंगे वर। ये हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि द के साथ एडजेक्टिव कभी भी आए उसको हम लोग एडजेक्टिव प्लस पीपल कंसिडर करेंगे, और एडजेक्टिव प्लस पीपल कंसिडर करेंगे तो ऑब्वियसली बात है वो प्लूरल वर्ब लेगा, क्योंकि पीपल आ चुका है, पीपल पहले से प्लूरल होता है। अच्छा, अगर प्लूरल वर्ब हो गया है तो अब हम लोगों को प्लूरल वर्ब लगानी, जैसे यहाँ पे आर लगाया। लेकिन एक हमने और देखा कि द के साथ एडजेक्टिव जब आए उसके बाद कभी कभी नाउन आ जाता है, और अगर नाउन आता है तो ये जो वर्ब है ये इस नाउन के अकॉर्डिंग आएगा, ना कि पहले क्या था प्लूरल वर्ब आएगी, पहले प्लूरल वर्ब था, लेकिन अगर नाउन आ जाए तो ये वर्ब इस नाउन पे डिपेंड करेगा। तो चलिए जरा ये सब हम लोगों ने सीख लिया। एक और कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार मैं और डिस्कस करूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि 2022 में सितंबर वाले एग्जाम में दो क्वेश्चन ये बन रखे थे। क्या वो क्वेश्चन था जरा देखते हैं। अच्छा, वन आइदर नाइदर वन का तो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा ही होगा, आइदर नाइदर ईच वन ये हमेशा सिंगुलर होते हैं और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। आइदर नाइदर ईच वन, आइदर में जब दो से ज़्यादा आ जाता है तो उसको एनी कहेंगे, लेकिन वर्ब तब भी सिंगुलर रहेगी, और नाइदर में दो से ज़्यादा होगा तो उसको नन से रिप्रेजेंट करेंगे, वर्ब तब भी सिंगुलर रहेगी। वन का ही कॉन्सेप्ट है, वन के बाद अगर ऑफ आ जाए और ऑफ के बाद ऑब्वियसली बात है हमें प्लूरल नाउन चाहिए, प्लूरल नाउन चाहिए, लेकिन जो वर्ब होगी वो सिंगुलर आएगी। ये रूल कहता है और हम लोगों ने ये पहले डिस्कस किया हुआ है, और ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि ऑफ के बाद हमेशा ऑप्शंस होती है, तो ऑप्शंस होगा तो प्लूरल होगा, और वर्ब इसके अकॉर्डिंग ना होकर के इसके अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि ऑफ के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, और जो ये जो वर्ब है ना, चाहे ये सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, ये वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, इसके अकॉर्डिंग नहीं होगी। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा, इस बार क्या आ रखा था उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सितंबर 2022 में क्या क्वेश्चन आ रखा था, वन ऑफ द मॉन्यूमेंट ए वाला पार्ट। अब देखिए जरा, ऑफ के बाद मैंने कहा भाई ऑप्शंस होगा, ऑप्शंस एक से ज़्यादा होते हैं, तो मॉन्यूमेंट ना कर करके मुझे करना था मॉन्यूमेंट्स, बस सिर्फ इतना करना था, हमारा क्वेश्चन बन गया जी। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक बार मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, एक बार मैंने दोबारा डिस्कस कर लिया इस वजह से कि यार बच्चे जो हैं भूल ना जाएं, हम लोग जो कंटेंट दे रहे हैं सिर्फ हमें यूट्यूब, हमारा जो कंटेंट बनाने का मकसद है वो यूट्यूब पे वीडियो डालना नहीं है, या फिर ऐसा करना नहीं है कि हमें व्यूज़ मिल जाए, या फिर ऐसा भी करना नहीं है कि भाई हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएं। कंटेंट का मतलब यह है कि एक्चुअल लोगों तक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। अब हमें खुश करने के लिए कुछ भी हथकंडे नहीं अपनाने हैं, हमें अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए कुछ भी हद तक नहीं जाना है, बस हमें जेन्युइन कंटेंट देना है, बच्चा पढ़े, हो सकता है उसका सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन वो पढ़े, वो जेन्युइन तरीके से पढ़े, और वो देखे कि ये क्वेश्चन सच में हमारे एग्ज़ाम्स में आते हैं, इस तरीके से हमारे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन बनते हैं, उसी तरफ हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं। इसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक पूरा कंप्लीट चैप्टर हम लोगों ने कर लिया है, उससे रिलेटेड हर एक क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम उससे रिलेटेड कम से कम 100 से 200 क्वेश्चन करेंगे, जो क्वेश्चन हम लोग प्लिंथ टू पैरामाउंट से, एसपी बक्सी से, रेन एंड मार्टिन से, या फिर ल्यूसेंट से हम लोगों ने लिए होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग इसके अगले वाले पार्ट में, जिसपे हम लोग एरर्स करेंगे। और अगर आपने हमारे पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो जा करके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हेल्प लगे शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, उन ज़रूरतमंदों के साथ जिनको इन वीडियोज़ की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।